लिंग सिकुड़ने से है परेशान तो ना करें ये 10 काम। पेनिस श्रिंकेज या पेनिस साइज का कम होना, इसके बारे में काफी लोग परेशान रहते हैं और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि लिंग सिकुड़ना होगा नहीं, या हुआ तो उसका इलाज होगा, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग अपने लिंग के साइज से बहुत परेशान रहते हैं। एक तो लोग हमारे पास में आते हैं कि हमको लिंग का साइज लंबाई गोलाई बड़ी करनी है। उनको लगता है कि भाई ये जो पॉर्न में हम देखते हैं तो वो बहुत ही लंबा मोटा रहता है, तो उतना तो भी होना चाहिए। वो गलत फहमी में लोग रहते हैं। एक्चुअली वो पॉर्न वीडियो है, और जो लोगों के एक्चुअली लंबे रहते हैं, मतलब 1000 आबादी में 1000 पुरुषों में समझो 4 या 5 लोगों के बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं, उनको लिया जाता है जानबूझ के ये पॉर्न वीडियो के लिए, और उनके ऊपर फोटोग्राफी करके इंजेक्शन देके गोलियां खा के उनका बड़ा किया जाता है। लोगों को लगता है कि इतना है क्या, उतना नहीं है, नॉर्मल क्या साइज है, तो हम देखेंगे और बाद में फिर देखेंगे सिकुड़ने के क्या कारण। तो एक तो जब ढीला लिंग रहता है तो उसका औसत साइज जो है वो है 3.6 इंचेस। ढीले लिंग का औसत साइज वैसा 1.5 इंच से कम है तो फिर प्रॉब्लम है, 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कठोर लिंग जो है, कठोर लिंग मतलब इरेक्ट हो गया, तो औसत साइज जो है वो 5.2 इंचेस है, वैसा 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए कठोर लिंग। फिर ढीला लिंग का जो मोटापा है, परिधि, सरकमफरेंस ढीले लिंग की, वो 3.7 इंच औसत है, 3.7 इंच एवरेज। और कठोर लिंग जो है उसकी परिधि 4.6 इंच एवरेज औसत साइज है, तो ये औसत है, तो बहुत परेशान होने की वैसी जरूरत नहीं है। तभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि मैं मेरे पार्टनर को खुश नहीं कर पाऊंगा, जितना ज्यादा लिंग लंबा है उतना ज्यादा खुशी में दे सकूंगा, ऐसा लोगों को लगता है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वजाइना में, योनि में सिर्फ 1.5 इंच अंदर तक ही सेंसेशन रहता है, उसके अंदर सेंसेशन रहता ही नहीं। मतलब 5 या 6 इंच भी है, 8 इंच भी है, और उसको पूछा कि कितना है तो उसको लगता है कि 1.5 इंच है, क्योंकि अंदर सेंसेशन रहता ही नहीं। अभी देखेंगे हम कि लिंग श्रिंकेज जो होता है, मतलब पेनिस श्रिंकेज या लिंग सिकुड़ता क्यों है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर 1 जो है कि लोग व्यायाम करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं मोटापा आता है, बहुत फैट बढ़ जाता है, और वो लिंग के ऊपर फैट जमा हो जाता है चमड़ी के नीचे, और फिर ऐसा लगता है कि लिंग सिकुड़ गया। एक्चुअली वो फैट ज्यादा होने से दिखने में, जब ऊपर से आप देख रहे हैं नीचे तो फैट दिखता है, और उसके अंदर लिंग छुपा हुआ लगता है, तो लिंग सिकुड़ा हुआ है नहीं। और फैट यदि है ज्यादा तभी भी लिंग सिकुड़ने के चांसेस है, क्योंकि फैट यदि है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा है, और उससे लिंग सिकुड़ सकता है। तो फैट से लिंग दब जाएगा और अंदर की गोलाई जो है ब्लड वेसल्स की वो कम होंगी, तो लिंग सिकुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर 1 कारण है कि व्यायाम का न करना और वजन बढ़ना। नंबर 2 बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करना, वैसा हस्तमैथुन नॉर्मल है, मैं तो कई बार बोल चुका हूं, और यदि आप बार बार हस्तमैथुन करते हैं और एक हस्तमैथुन की आदत सी लगी हुई है और वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, इच्छा नहीं होते हुए हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो होगा क्या, उसको जख्म हो जाएंगी, बहुत ज्यादा थक जाएगा और बाद में वो सिकुड़ा हुआ दिखेगा। तो ज्यादा हस्तमैथुन करना ये भी कारण है। नंबर 3 शराब का पीना। लोग शराब पीते हैं, शराब के आदि हो जाते हैं, और शराब से बहुत सारे शारीरिक नुकसान होते हैं। शराब का हार्ट के ऊपर असर होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर असर होता है, और ब्लड वेसल के ऊपर यदि असर हुआ तो ब्लड सप्लाई लिंग का कम हो जाता है, और उससे लिंग सिकुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 जो है कारण, वो है दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक, और एंटी डिप्रेसेंट्स स्पेशली SSRI जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां यदि आप खा रहे हैं तो उसमें श्रिंकेज होने के चांसेस होते हैं, छोटा होने के चांसेस होते हैं, छोटा दिखने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये दवाइयां लिंग के ऊपर असर करती है, ब्लड फ्लो कम करती है और लिंग को सिकुड़ देती है। नंबर 5 धूम्रपान करना। तंबाकू, निकोटीन जब आप स्मोक करते हैं, खाते हैं, तो उससे ब्लड वेसल्स के ऊपर असर होता है, और उससे एथेरोस्क्लेरोसिस होके ब्लड सप्लाई कम होता है लिंग को, और उससे प्रॉब्लम होता है। तो धूम्रपान ना करना ये सबसे अच्छा तरीका है कि लिंग सिकुड़ना नहीं चाहिए। नंबर 6 जो है वो जंक फूड खाना। अब जंक फूड आप खाते हैं उसमें तला हुआ है, फिर बर्गर, पिज्जा, चिप्स, चॉकलेट, कुकीज, केक्स, सभी पदार्थ जो है ना, ये सभी पदार्थ हानिकारक है हमारे बॉडी को, इम्यूनिटी उससे कम होती है, ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं, और उससे लिंग सिकुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7 फल और सब्जियां ना खाना। यदि आप ज्यादा फल और ज्यादा सलाद और सब्जियां खाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बॉडी को, और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, जोश, एनर्जी, उत्साह बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और लिंग सिकुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फल और सब्जियां खाना बहुत ही
जरूरी है। आठवां जो है वो है मानसिक तनाव। जिनको जिनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, नेचुरली एड्रेनलिन सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, स्टीरॉयड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है तनाव यदि है तो, और एड्रेनलिन गश जब होता है तो लिंग सिकुड़ने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। तो तनाव का होना, मानसिक तनाव, इसके लिए आपने मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस करना जरूरी है, जिससे लिंग सिकुड़ना नहीं होगा। नौवां कारण है उम्र। बढ़ती उम्र में दो कारण, एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पेनिस में कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो उससे प्रॉब्लम आते हैं, तो बढ़ती उम्र भी एक कारण होता है कि लिंग सिकुड़ना चालू हो जाता है। नंबर 10, प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी। पुरस्त ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यदि उसमें कोई मतलब वो बड़ा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रॉफी जिसको बोलते हैं, या वहां कैंसरस ग्रोथ हो गया, या ऐसा कुछ भी हो गया, उसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड निकालनी पड़ी, तो करीब करीब एक साल तक लिंग सिकुड़ा हुआ दिखता है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी एक कारण हो सकता है। फिर 11वां कारण है पायरोनिस डिसीज। पायरोनिस डिसीज में क्या होता है कि लिंग में फाइब्रोसिस होता है और लिंग टेढ़ा हो जाता है, अकड़ जाता है ऐसा, तो उसमें तो कुछ एक तो करना नहीं है, छोटा यदि फाइबर है तो, मतलब फाइब्रोसिस है तो, और ये बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस एकदम ऐसा टेढ़ा हो चुका है तो फिर ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ेगा, तो उससे ऐसा लगता है कि लिंग छोटा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, 11 मैंने गिना है, और ये कारण आपको ज्ञात है और उसके लिए आप जो चाहिए वो बराबर उपचार करते हैं या केयर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका लिंग का सुकुड़ना नहीं होगा और एक आप अच्छी सेक्स लाइफ जी पाएंगे। नेचुरली अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, धूम्रपान तंबाकू से दूर रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, काम में व्यस्त रहना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना, ये बहुत जरूरी है। बुढ़ापे से एक्चुअली लिंग सिकुड़ता नहीं है, बुढ़ापा ये दिमाग में होता है, और दिमाग में यदि आप बूढ़े हो गए तो डेफिनेटली उसका असर लिंग पर पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपका खुद का, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। कोई भी आपको चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।